बिहार में 5 सीटें ऐसी हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। अब उन 5 सीटों में क्या इस वक्त ओपिनियन पोल का डेटा कहता है, ये आपके सामने लेकर आते हैं। और ये बिहार का डेटा ये कहता है कि 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें इंडिया यानी कांग्रेस पार्टी भी, वो दोनों भी कांग्रेस के पास हैं। 3:2 यहां पर ये रेशियो बन रहा है, 3 एनडीए, 2 इंडिया, और वो दोनों कांग्रेस के पास। फिलहाल इन 5 में से आरजेडी के पास कोई है नहीं अभी, क्योंकि अभी अभी सीटों का बंटवारा एनडीए का तय हो गया है, इंडिया का अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं पता है। तो ये सीटें किसके खाते में जाएंगी, लेकिन 3 और 2 का ये जो यहां आंकड़ा आता है। अब हमने 26 सीटें दिखा दी हैं यूपी की और 5 सीटें दिखा दी हैं हमने बिहार की। इन 31 सीटों पर समीर चौगावकर, आपका मानना है, क्या मानना है, क्या वाकई जितना हमको यहाँ बिहार में दिख रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, उतना यूपी में नहीं दिख रहा है, इसको आप मानते हैं कि ये कुछ अलग अलग होगा बिहार और यूपी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिहार और यूपी कुछ अलग होने वाला है। 2019 में जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन रहा था, हालांकि मायावती और समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर लड़े थे 2019 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों का जो नुकसान हुआ था कि 5 समाजवादी पार्टी ने और 10 भारतीय जनता 10 मायावती ने सीटें जीती थी। लेकिन हम मायावती गठबंधन में नहीं है और जयंत चौधरी भी अलग हो चुके हैं अखिलेश यादव से, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति में है। जबकि बिहार के जो आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है बिहार में कांग्रेस को खाली एक किशनगंज की सीट मिली थी बिहार के अंदर, इस बार एक सीट और मिलती दिख रही है। अब वो ये आरजेडी को जा रही है या कांग्रेस को जा रही है, और कांग्रेस को अगर जा रही है तो मुझे लगता है फिर वो तो या तो कटिहार होगी या कोई मतलब फायदा ही हो रहा है, एक सीट का फायदा हो रहा है। लेकिन एक सीट का फायदा ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से है या अब उनका गठबंधन भी है या और जो परिस्थितियां उसकी वजह से भी ये फायदा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन रायपुर की सीट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर रायपुर की सीट के बारे में क्या है जानकारी, संदीप अगर आप बताना चाहें हमें रायपुर की सीट के बारे में। रायपुर की सीट में हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी जीत रही है, उसको 72.41% वोट मिल रहा है और कांग्रेस को अराउंड 20% वोट मिल रहा है। अनडिसाइडेड वोट यहाँ 7.69%। तो देखिए ये तस्वीर रायपुर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हमारे साथ नलिन कोहली लगातार बने हुए हैं। नलिन देखिए ये जो तस्वीर दिख रही है, अभी आपने सुना अतुल पाटिल जी का भी प्रतिक्रिया, उनका ये कहना है कि बहुत से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने असर देखा था और वो असर दिखाई दिया तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, तो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अभी से आप अगर उसको ब्रश असाइड कर रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं होगा, तो क्या ये प्रीमेच्योर है? हो सकता है इसका असर भी हो, उस तरह का असर देखने को मिले जैसा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला? नहीं सुमेरा जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कांग्रेस पार्टी कई दशकों से राहुल गांधी जी पे उम्मीद रख रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उम्मीद करना एक अच्छी बात है। कभी ना कभी उभरेंगे, कभी ना कभी उनका नेतृत्व दिखेगा, कभी ना कभी जो उनके वाच होते हैं उसका कुछ फायदा मिलेगा पार्टी को, इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ केवल इस बात पर, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन था, उसके बाद चुनाव आए, उन चुनाव में राजस्थान में उनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से गई, जहां मानते थे कि भाई हमारी सरकार कांग्रेस मानती थी आराम से आएगी, और मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना जीते। लेकिन इस बात को आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई भारत जोड़ो यात्रा निकली, बहुत फायदा होने वाला है, जनता ने नहीं तय किया। जो पाटिल जी कह रहे हैं ठीक है, उनका अधिकार है, पाटिल जी कह रहे हैं भाई आरएसएस को गलियारे हैं और आरएसएस को कह रहे हैं तोड़ने वाली शक्तियां हैं उन्होंने। अब हो सकता है महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं पाटिल जी, उनको मौका नहीं मिला हुआ जब राहुल गांधी जी जेएनयू गए थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की जाती है, भारत अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, यही तो नारे थे। आपके चैनल में भी वो मौजूद होंगे, दिखा भी सकते हैं आप। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी जी उनके समर्थन में उतरते हैं फिर देश जोड़ने की बात करते हैं तो विवाद दिखता है। ठीक है, और मैं इतना ही कह रहा हूं कि जनता को बेवकूफ नहीं मानना चाहिए,
जनता पे विश्वास रखना चाहिए कि जनता जो है जनादेश तय करती है। जनता की आप बात कर रहे हैं नलिन जी, जनता हमसे लगातार बात कर रही है और हमसे फोन पर अपनी सीट का हाल पूछ रही है। और देखिए अब तो फोन वहां से आया जो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, एक तो महाकाल की नगरी है और खुद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाकाल के दर्शन करने भी गए थे। वहां से प्रकाश हमारे साथ हैं उज्जैन से और वो उज्जैन का हाल पूछ रहे हैं कि उज्जैन में आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर हम संदीप से बात करेंगे। लेकिन अतुल सवाल यहीं पर है, फायदा हो ना हो फिलहाल ये, अच्छा राजस्थान दिखा देते हैं फिर अतुल जी के पास आते हैं राजस्थान, क्योंकि अभी भी सरकार वहां पर बदली, जल्दी से दिखाई राजस्थान। राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल दो सीटों से निकली है और ये जो दो सीटें हैं इनका आपके सामने जो हम यहां पर ओपिनियन पोल रख रहे हैं, एक एक टाई है यहां पर इन दो सीटों में, एक बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। अतुल राजस्थान में आपको क्या लगता है? नहीं पहले तो मैं नलिन जी का एक जवाब दे दूं। नलिन जी के एक सांसद है लद्दाख से, उनकी बीवी जो है वो कन्हैया की बैचमेट है और उसने सीधा बताया वहां कन्हैया नहीं था, उनके पति के सामने बताया और एक बड़े चैनल के एंकर को बताया, वो मालिक भी है उस चैनल का, बड़े चैनल का, उसके सामने बताया ये गलत है, ये गलत बात है, कन्हैया वहां नहीं था। और बाद में जब उसका फोरेंसिक आया तो वो गलत था, ये अमित मालवीय के फैक्ट्री से निकला हुआ वीडियो था जो बदनाम करने के लिए था, जो कोर्ट में भी साबित हो गया। लेकिन नलिन कोहली जैसे वरिष्ठ वक्ता जो है, वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसी बात करे ये उन्हें शोभा नहीं देता। मैं उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं कहूंगा, झूठ न बोलिए नलिन जी, आपको शोभा नहीं देता है। अब रही बात, आपने कहा हजारों लाखों लोगों का हुजूम जो है वो राहुल गांधी के साथ चल रहा था, राहुल गांधी जी को मिल रहे थे, वो बेरोजगारी की बात बता रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में नंदुरबार से लेकर मुंबई के आखिर तक चैत्यभूमि तक मैं उनके गाड़ी में था, मैं लोगों को देख रहा था, लोग बता रहे थे हजारों लाखों का हुजूम था। उसका ओपिनियन पोल मानू मैं या आपके पास जो अतुल पाटिल जी, अतुल पाटिल जी देखिए इसी वजह से, अतुल जी इसी वजह से एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से की गई थी उसमें वो पैदल चल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, क्या उसका असर अलग तरह का होगा? और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें जल्दी की वजह से बस से सफर किया गया है, ज्यादा रास्ता कवर किया गया है, क्या दोनों की तुलना अगर की जाएगी तो ज्यादा असर पहली वाली यात्रा का इस वजह से क्या देखने को मिला और क्या इस वजह से इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं सुमेरा जी, दोनों का अंतर मैं आपको बता दूं, मैं दोनों यात्रा में था और अलग अलग स्टेट में मैं यात्रा ज्वाइन किया और साथ में था। दोनों वक्त राहुल जी के गाड़ी के पीछे और पैदल चल रहे थे, उसके इर्द गिर्द लोग थे। अभी आप मोदी जी की यात्रा दिखा रहे हैं, कितना अंतर है जनता में और देश के प्रधानमंत्री में, और कितनी नजदीकियां थी राहुल जी के बीच में और लोगों के बीच में। गाड़ी पर चढ़ जाते थे, उनके बाजू में बैठ के लोगों ने भाषण दिया है, अपनी व्यथाएं बताई है। बताओ कोई एक साधारण आदमी नरेंद्र मोदी जी के पास जा सकते हैं? राहुल गांधी ने अपने दादी को खोया है, राहुल गांधी ने अपने पिता को टुकड़े टुकड़े जो है समेट कर लाया है, इस मिट्टी में खून मिला है उस परिवार का, लेकिन वो फिर भी लोगों में जाने से नहीं डरते हैं। इनकी तो एक भी शहादत नहीं हुई, ना आजादी के जंग में हुई ना आजादी के बाद हुई है, फिर भी इतना डरते हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा का भी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन जरा उज्जैन के हमारे दर्शक उनको बता देते हैं कि उनका ओपिनियन पोल क्या कहता है। प्रकाश जानना चाह रहे थे, बताइए संदीप उज्जैन का ओपिनियन पोल क्या है? उज्जैन में बीजेपी जीत रही है, अराउंड हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 70% वोट मिल रहा है। 70%? यस 23% वोट। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहीं से है। नहीं ठीक है, सीएम है वहां से, लेकिन बीजेपी फिलहाल 70% ओपिनियन पोल में उधर जाता दिख रहा है। राजेश जी आपका आकलन क्या कहता है भारत जोड़ो यात्रा और वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक, क्या आपको लगता है कि वो यात्रा जितनी हिट थी, जितना माहौल उस यात्रा में बना था उतना इस यात्रा में नहीं बन पाया? देखिए ईमानदारी की बात तो यह है कि जब तक ग्राउंड पे जाके गांव-गांव में जाके ये देखा नहीं जाएगा कि राहुल गांधी जहां जहां से गुजरे हैं उनके गुजरने के बाद वहां की जनता क्या बात कर रही है, कांग्रेस का कैडर क्या बात कर रहा है, उसका कितना असर पड़ रहा है, कितने व्हाट्सएप ग्रुप से वो अपना मैसेज वो कन्वे करने में सफल हो पा रहे हैं, तब तक जो है ये ज़बानी जमा खर्च होगा। और मैं ज़बानी जमा खर्च तो थोड़ा कम करता हूँ, आपका जो सर्वे आया है उसके आधार पर कोई बहुत तस्वीर बदल नहीं रही है। जो पहले से हम लोगों को मालूम था कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति या इंडिया की स्थिति कमजोर है। आप तो कल से हमें देख रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं 20 लाख का सैंपल साइज है। नहीं, मैं उस पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लोगों से बात किया है, लोगों को ओपिनियन लिया है, मैं जो बात कर रहा हूं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तस्वीर बदली नहीं है। ये आम फहम बात थी कि कांग्रेस की स्थिति हिंदी बेल्ट में कमजोर है। राहुल गांधी गुजरे भी हैं वहां से, बहुत ज्यादा असर पड़ता आपके सर्वे के ही मुताबिक नहीं दिख रहा है, मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन असल ग्राउंड रिपोर्ट तब पता चलेगी जब मेरे जैसा पत्रकार जा करके गांव-गांव। राजेश आपका ये कहना है कि बाद में क्या असर उसका दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी का काडर कैसे उस मुद्दे को आगे लेकर जा रहा है उसका भी असर पड़ेगा, तो अगर कांग्रेस पार्टी का नीचे का काडर ही कुछ नहीं करेगा, राहुल गांधी की यात्रा गुजर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।